नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस सेशन में आज मैथ्स का सब्जेक्ट होगा और मैथ्स में आप आज जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसका पार्ट वन होगा आज। और इससे पहले सेशन में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से, उसका एप्लीकेशन किस तरह से डेली लाइफ में होता है उसे आज समझेंगे जानेंगे। और ये पार्ट पढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट आज की जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आप सभी से करवा दें। हमारे साथ हैं सविता ग्राहक मैम, जो कि गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में मैथ्स टीचर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी देवेंद्र जी नमस्कार, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। जी, और हम आगे बढ़ें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमारे साथ इंटरेक्टिव लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं फ़ोन नंबर के जरिए। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 8800440559। ई विद्या चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, सुझाव हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया इस नंबर पर आप लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो है dth.class10@cit.nic.in। तो ये संपर्क का माध्यम रहेगा आपके लिए। और अब हम शुरुआत करने के लिए मैम से आग्रह करेंगे कि आज का जो चैप्टर है, सबसे पहले ब्रीफ में आप ये बताएं कि किस तरह से ये डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आमतौर पर हमें करना पड़ता है मैम। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा दैट इन अ प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, टी रेशियोज क्या हैं, टी रेशियोज को हम किस तरह से वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। यानी अगर हमें कैलकुलेट करना है कि किसी भी दो चीज़ों के बीच का डिस्टेंस कितना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी हिल माउंटेन की हाइट कितनी है, किसी रिवर की विड्थ कितनी है, और इन सभी चीज़ों के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ दी ट्रिगोनोमेट्री। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हाउ कैन दैट बी पॉसिबल। अगर हमें पता है कि बेस एंगल कितने डिग्री का है, हमें बेस पता है सो वी कैन कैलकुलेट दी हाइट एंड दी हाइपोटेन्यूस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो फॉर डूइंग द सेम लेट इज फर्स्ट डिस्कस दैट व्हाट डू वी मीन बाय द एंगल ऑफ एलिवेशन। हियर वी हैव रिटन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इफ वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन, सो व्हाट इट इज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर्स आई। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जर्वर्स आई, इफ आई एम द ऑब्जर्वर देन डेफिनेटली माई आई विल बी नोन एज द ऑब्जर्वर्स आई। ऑल राइट, सो सिंपल सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्वर के आई लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रेम हो रहा है। सो हियर इट इज मेंशन, लेट अस फर्स्ट रीड द डेफिनेशन, देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वर्स आई एंड द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसा कि इनका फिगर भी हम देख सकते हैं, हियर इज द ऑब्जर्वर एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम जो जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट लाइन, थ्रू दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट विल बी नोन एज थीटा और 60 डिग्री और 30 डिग्री, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस व्हिच वी विल सॉल्व। ऑल राइट, सो सिंपली अगर हम इसे चेक करना चाहेंगे तो इफ आई एम सेइंग दिस इज माय आई लेवल मींस बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट बनती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, दैट इज नोन एज द ऑब्जर्वर्स आई लेवल। तो अगर ऑब्जर्वर्स आई लेवल, और मैं यहाँ से लेट मी से आई एम व्यूइंग द फैन ऑफ माय रूम, तो फैन के लिए जो एंगल बन रहा है वो भी इस डिग्री पर बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल इन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ना देख कर नीचे देख रहे हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिलो द ऑब्जर्वर्स आई, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द ऑब्जर्वर्स आई एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन
एंड जो ऑब्जेक्ट हम व्यू कर रहे हैं वो नीचे की तरफ है, हमारे आई लेवल से, ऑब्जर्वर के आई लेवल से नीचे है, तो वहाँ पर जो एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा दैट विल बी नॉन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑल राइट, सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सोच सकते हैं। मान लीजिए यू आर प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, आप अपने घर की छत पर जितना एरिया आपको अवेलेबल है वहां पर आप खेल रहे हैं, एंड द बॉल जो है वो नीचे गिर जाती है, आसपास जाकर सड़क पर गिर गई। तो जब आप ऊपर छत से अपनी बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां पर फ्रेम हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम समझ पाए कि किस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रेम हो रहा है, किस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रेम हो रहा है, और किस पॉइंट पर ये एंगल्स फ्रेम हो रही हैं। पहली इंपॉर्टेंट थिंग ये थी, और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सभी 6 टी रेशोज की वैल्यूज क्या होती हैं ये हमने पढ़ा है, हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है। सो साइन थीटा, इफ आई एम सेइंग द वैल्यू ऑफ साइन 30, दैट विल बी 1/2। इफ आई एम सेइंग द वैल्यू, आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री, सो टेंजेंट 45 विल बी 1। ठीक इसी तरह से अगर हमें सेकेंट 60 डिग्री की वैल्यू जाननी है तो सेकेंट 60 डिग्री इज डेफिनेटली 2। ऑल राइट, सो लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग अ फ्यू क्वेश्चंस, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इट विल बिकम इजियर टू यू पीपल दैट हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। हियर इज अ क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस की इन द रियल लाइफ, सो डेफिनेटली जो फिगर्स हैं वो रियल लाइफ से ही हमारे सामने निकल कर आएंगी, जो स्टेटमेंट्स हैं दोज विल बी रिलेटेड टू द रियल लाइफ। तो हमें अपनी स्टेटमेंट्स को समझकर पढ़कर सबसे पहले जो टास्क करना है दैट इज टू फ्रेम द फिगर। फिगर डिजाइन करने के इमीडिएट बाद इट विल क्वाइट बी ईजी फॉर यू ऑल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट अस सी इन दिस क्वेश्चन। इट इज फ्रॉम द हील, in fact it is from the top of a hill, the angle of depression ki baat ho rahi hai of two consecutive kilometer stones. So two consecutive kilometer stones, consecutive word is mentioning ki jaisa ki aap dekhte hain consecutive ka meaning hua ki just jo aise koi bhi do number jo ek dusre ke bilkul consecutive chalte hain, bilkul lagatar chalte hain, aur consecutive kilometer stones ka matlab hai wo stones jo hum roads par bhi aisa dekhte hain na, distance ke liye lagaye hote hain that the particular distance is 25 kilometer away, आप थोड़ा और डिस्टेंस कवर करते हैं 24 किलोमीटर अवे, आप थोड़ा और डिस्टेंस कवर करते हैं इट इज 23 किलोमीटर अवे। सो ये कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स हैं। इस वर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी है दैट इफ वन स्टोन इज एट पॉइंट पी एंड अदर स्टोन इज एट पॉइंट क्यू तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर। क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा नहीं है बट कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स दिस इज इंडिकेटिंग द सेम। And it is due east are found to be 45 degree and 30 degree. Let us read the statement again up to here. अगर हम हील की टॉप से दो consecutive kilometer stones को observe करते हैं, देखते हैं, तो दोनों के लिए angle of depressions अलग अलग बन रहे हैं। This is our eye level. Eye level से एक stone के लिए जो angle बन रहा है that is 45 degree. This is 45 degree, और इसी तरह से दूसरे स्टोन के लिए ये जो एंगल बन रहा है दैट इज गिवन टू बी 30 डिग्री। ऑल राइट, हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द हील। सो लेट अस सपोज एंड यू मस्ट राइट दिस इन द बिगनिंग, लेट ए बी इक्वल्स एच किलोमीटर रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द हील। ओके, अब करना क्या है, आपके पास एंगल्स तो बन रहे हैं यहाँ पर टॉप पर, और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं डेफिनेटली वी नीड टू फॉलो द ट्राइंगल्स विच आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। सो आप देखेंगे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द ट्राइंगल,
दिस इज ए बी पी, हे इज द फर्स्ट ट्राइंगल, एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी क्यू. सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो वी डू हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हियर. पहली ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए पी बी एंड द अदर ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी क्यू. अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग आर क्वेश्चन. मुझे नहीं पता कि बी यानी कि बॉटम ऑफ द हील से पहले किलोमीटर स्टोन यानी पी पॉइंट पर जो स्टोन है उसका डिस्टेंस कितना है. सो वी हैव सपोज दैट डिस्टेंस टू बी एक्स किलोमीटर. ऑल राइट, और हाइट निकालनी है तो डेफिनेटली आपको वो टी रेशियो का यूज करना होगा जिस टी रेशियो में हाइट और बेस का यूज हो रहा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कुछ भी दिया नहीं है. यू डू नॉट हैव, यू हैव नॉट बीन गिवन द वैल्यू ऑफ ए पी और ए क्यू, तो हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं होगा. आप किस चीज का यूज करेंगे, यू विल यूज द हाइट, दैट मीन्स द परपेंडिकुलर एंड द बेस. सो थिंक अपॉन दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किस चीज के लिए, कौन से टी रेशो को रिप्रेजेंट करता है. डेफिनेटली दैट इज टेंजेंट थीटा. सो हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दीज टू ट्राइंगल्स, लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं दैट अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैंने अभी बोला कि हम ऑब्जर्वर्स का जो आई लेवल है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ग्राउंड के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं. यानी कि यहाँ जो एंगल फ्रेम हो रहा है, इफ दिस इज 30 देन डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 30, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट मेंशन दिस थिंग. सिमिलरली दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री, दिस कंप्लीट. सो डेफिनेटली द एंगल एट पॉइंट पी, दैट इज एंगल ए पी बी, दैट विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. एंड सिमिलरली ए क्यू बी, दिस एंगल इज 30 डिग्री हियर. सो नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी आई कैन सिंपली से दैट एच अपॉन एक्स इक्वल्स टेंजेंट 45 डिग्री, क्योंकि यहां पर बेस एंगल 45 डिग्री है. ड्यू टू विच एच अपॉन एक्स इक्वल्स 1. आई जस्ट टोल्ड यू पीपल कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 इज 1. सो यू डू हैव एच इक्वल्स एक्स. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर. नाउ लेट अस सी इन द अदर ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ए बी क्यू को अगर हम फॉलो करते हैं, तो ए बी क्यू ट्राइंगल में ऑब्जर्व द ट्राइंगल केयरफुली, दिस इज द ए बी क्यू, दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. इस ट्राइंगल के लिए जो बेस है दैट इज नाउ बिकमिंग एक्स प्लस 1. सो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट दैट एच अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि अभी बेस एंगल 30 डिग्री है. वी नो दैट एच इज इक्वल टू एक्स, सो इन प्लेस ऑफ एक्स हम एच पुट कर सकते हैं या इन प्लेस ऑफ एच एक्स पुट कर सकते हैं. बेसिकली वी वॉन्ट टू फाइंड द हाइट ऑफ द हील. सो आपके पास ये जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज एच इज इक्वल टू एक्स, यू विल यूज दैट इन द सेकेंड इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 दैट इज 1/√3. ऑन सॉल्विंग द सेम इक्वेशन इट विल बी √3 अपॉन एच यस इज इक्वल टू एच प्लस 1. ऑन सॉल्विंग इट वी आर एबल टू गेट दैट √3 माइनस 1 इंटू एच इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स हाइट ऑफ द हील इक्वल्स 1/√3 माइनस 1. ऑन रेशनलाइजिंग द सेम यू विल बी एबल टू फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द हील, यानी कि हाइट ऑफ द हील क्या है वो हम इसे रेशनलाइज करने पर लिख सकते हैं. दैट विल डेफिनेटली बी 1/2 इंटू √3 प्लस 1 किलोमीटर्स. ऑलवेज
keep it in mind, always remember, this is an important thing which I'm going to tell, that whenever the value of this root 3 or root 2 aapke question mein jo bhi value is tarah se irrational use ho rahi hai, jab bhi question mein in the bracket aapko value given hai that use root 3 equals 1.73 or 1.732, so you will put that value at the end. Aap apna answer yahan par drop nahi kar sakte, aapko apna answer final कलेक्ट करना है, यानी आपको रूट थ्री की वैल्यू पुट करनी है, एंड ऑन पुटिंग दैट वैल्यू यू विल बी एबल टू फाइंड द हाई इन डेसिमल्स. यस, इफ द वैल्यू ऑफ रूट थ्री, दैट इरेशनल नंबर विच इज देयर इन द क्वेश्चन, इज नॉट गिवन टू यू, इन दैट केस इफ यू आर नॉट पुटिंग दैट वैल्यू, इवन देन इट विल बी ओके. सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question will also be again from the same thing. Yeah. Here is the question. The angle of elevation of the top of a tower from two points, this time angle of depression की बात नहीं हो रही, angle of elevation की बात हो रही है, and the question is the angle of elevation of the top from two points on the ground, यानी ground पर हमने two points लिए हैं, the first point is point C and the second point is point D. इन दोनों ही point से elevation का मतलब हम अपने eye level से ऊपर की तरफ कुछ देख रहे हैं. Okay, तो ऊपर की तरफ हम कहाँ देख रहे हैं, the top of a tower. So the point B that is representing the top of the tower, and then these two points on the ground at distances A meters and B meters from the base of the tower, and in the same straight line these angles are complementary. This is complete one sentence. From the beginning he is saying the angle of elevation of the top of a tower are complementary. बट ये एंगल्स लेने कहाँ से हैं, दीज आर फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड दीज टू पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. जो टावर का टॉप पॉइंट बी पर है उसी टावर का जो बेस है दैट इज एट पॉइंट ए. तो ए पॉइंट से ग्राउंड पर जो दो पॉइंट्स आपने लिए हैं उनमें से पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज बी मीटर और एक पॉइंट पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है दैट इज ए मीटर. Clear? So we can say that the distance AD equals B meter and the distance CA is A meter. So CD distance jo hai wo kya hoga, that will be A minus B meter. Now let us solve the same question. Okay, we can see here hame given hai dono angles complementary hai. सो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अगर आप दोनों में से एक एंगल को लेते हैं 30 डिग्री, सो दी अदर एंगल विल बी 90 माइनस 30. हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स को बोला जाता है जिनका सम होता है 90 डिग्री. सो इफ वी हैव नॉट बीन गिवन कि इनमें से कोई एंगल 30 है या 45 है, सो वी विल सपोज दैट वन ऑफ द एंगल इज थीटा, सो द अदर एंगल शुड डेफिनेटली बी 90 डिग्री माइनस थीटा. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट by taking the triangles one by one. The first right angle triangle which we have taken here, this is triangle ABD. So in this triangle we can see that angle D is 90 degree, due to which we do have H upon B. Understand it very carefully. हमें find करना है height of the tower और हम prove करना चाहते हैं कि इस tower की जो height है वो under root AB meter आ जाए. So हमने height को फिर से H suppose किया and then the height divided by the base, perpendicular upon base is equal to tangent theta, and the angle here given to us is 90 degree minus theta. Due to which we do have H upon B equals cot theta. और इसी तरह से जब हम सेकेंड ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, तो ए बी सी ट्राइंगल में एच अपॉन ए, बेस जो है वो सी डी नहीं लेंगे, बेस इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विच इज ए सी विच इज ए, इट इज इक्वल्स टू डेफिनेटली टेन थीटा. सो अभी अगर आप कंपेयर करते हैं, द फर्स्ट ट्राइंगल वी आर हैविंग
द राइट हैंड साइड इज कोट थीटा, इन द सेकेंड ट्राइंगल दिस इज टेन थीटा. सो हम क्या करते हैं, आइदर वी कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस और यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट लाइक दिस दैट एच अपॉन ए इक्वल्स वन अपॉन कोट थीटा बिकॉज वी नो दैट टेन थीटा इक्वल्स वन अपॉन कोट थीटा. ऑन टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम वी हैव ए अपॉन एच इक्वल्स कोट थीटा. सो इफ वी सी द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों ही इक्वेशन से समझ आता है दैट एच अपॉन बी इक्वल्स ए अपॉन एच. सिंस देयर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल देन डेफिनेटली लेफ्ट साइड विल ऑल्सो बी इक्वल एंड वी हैव एच स्क्वायर इक्वल्स ए बी ड्यू टू विच एच इक्वल्स अंडर रूट ए बी मीटर. दिस इज द सेम जो हमें प्रूव करना था. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर अप टू हियर. Now let us discuss a few more questions of the same type and then I know that our viewers will definitely be able to solve the questions of the type. इस तरह के questions को solve करने में आपको question examiner ऐसा भी दे सकता है that if there are two persons and they are viewing from the top of a tower and a building, और एक tower की top से और दूसरा building की top से वो जो चीज़ observe कर रहे हैं वो क्या observe कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों चीजों के बॉटम को. यानी जो बच्चा टावर के टॉप से देख रहा है वो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग के टॉप से देख रहा है वो बॉटम ऑफ द टावर को ऑब्जर्व कर रहा है. दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन होंगे. दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है ये कैलकुलेट करना होगा. डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू हमें गिवन होगी. फॉर एग्जाम्पल आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग या हाइट ऑफ द टावर गिवन होगा, एंगल्स गिवन होंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री थिंग्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द शेडो ऑफ अ फ्लैग स्टेफ इज थ्री टाइम्स एज लॉन्ग एज द शेडो ऑफ द फ्लैग स्टेफ वेन द सन रेज ओके मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली. द क्वेश्चन इज सेइंग कि किसी फ्लैग स्टाफ की जो शेडो है वो जब सन रेज एंगल 60 डिग्री का फ्रेम कर रही है विद द ग्राउंड और कोई और टाइम, दूसरा एंगल हमें गिवन नहीं है, वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट दैट, बट गिवन है कि शेडो पहले से थ्री टाइम्स हो गई है. आप जब दोपहर के टाइम में अगर आप बाहर निकलते हैं सन आपके लगभग हेड के ऊपर होता है तो आपकी शेडो की लेंथ बहुत छोटी बनती है. सिमिलरली इन द इवनिंग अराउंड एट 5 PM आप अगर ऑब्जर्व करेंगे सो यू विल सी कि शेडो की लेंथ लंबी है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल फ्रेम्ड बाय द सन रेज विद द ग्राउंड कि आपके पास आपका जो एंगल है वो कितने डिग्री का फ्रेम हो रहा है. सो इन दिस क्वेश्चन द फ्लैग स्टाफ हैज बीन गिवन बाय ए बी एंड दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री. और हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि जो शेडो है वो पहले अगर एक्स थी तो अभी वो इंक्रीज होकर उसका 3 times यानी कि 3x हो गई है. यानी कि वी हैव बीन गिवन दैट ए सी इक्वल्स एक्स यूनिट्स, ए डी इज गिवन टू बी 3x यूनिट्स. वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड at the time of the longer shadow. All right? So let us start solving. एक चीज आप observe कीजिए, अभी आपने angle निकाला नहीं है, आपने just suppose कर लिया कि ये जो longer shadow बनने के time angle बन रहा है, this angle is theta. So just think over the question and then start doing it, कि theta की जो value है, that will be greater than 60 or less than 60 or equals to 60. So, अगर आप इस चीज को सोचेंगे आंसर कैलकुलेट करने से पहले ही एक रफ आइडिया आपके सामने होगा कि ये एंगल 60 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्लोप ऑफ द लाइन है जब वो थोड़ा स्टीफ है तब एंगल जो है ज्यादा होगा, और जब वो डाउन जा रही है डेफिनेटली जो बेस एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है. सो थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री से लेस होगी. नाउ लेट अस टेक बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स वन बाय वन. इफ यू फॉलो विद ट्राइंगल ए बी सी और आप फ्लैग स्टेफ की हाइट को एच अगर एज्यूम कर लेते हैं देन एच अपॉन एक्स इज टेंजेंट 60 डिग्री. डेफिनेटली फ्रॉम हियर यू कैन इजीली राइट दैट एच इक्वल्स √3x यूनिट्स. लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरह से अगर हम ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं सो एच अपॉन 3 times ऑफ एक्स इज टेंजेंट थीटा. दैट मीन्स
एच की वैल्यू पुट करने पर वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट रूट थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट आपने एच की वैल्यू पुट की एंड यू आर एबल टू गेट वन अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टेंजेंट थीटा ड्यू टू विच थीटा इज 30 डिग्री. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चन. दिस इज ऑल फॉर टूडे. वी कैन सम अप द सेशन हियर देवेंद्र जी. जी थैंक यू मैम. थैंक यू. इस सेशन को देखने के बाद, इस सेशन में इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझने के बाद, मुझे लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने समझा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो आम जीवन में भी कितना ज़रूरी है, कितना उपयोगी है, कितना मददगार है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सविता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझाने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. और धन्यवाद मैं अपने दर्शकों का कहना चाहूँगा जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और इस सेशन के माध्यम से अपनी जो एजुकेशन की नीड है या एजुकेशन में जो उनको समझने में दिक्कतें होती हैं शिक्षा में, उसका लाभ उठा पाते हैं. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और चलते चलते आपको जानकारी दे दें कि एकेडमिक सेशन 2023 और 2024 के लिए पाठ्य पुस्तकें अगर आप अब तक नहीं ले सके हैं तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं NCERT के सेल्स काउंटर्स पर जो अवेलेबल हैं न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में. और ये सेल्स काउंटर सप्ताह के 7 दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच उपलब्ध रहते हैं. और इसके अलावा घर बैठे आप अपनी पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. आपके घर पर पुस्तकें डिलीवर हो जाएंगी. आपको जाना है ncertbooks.ncert.gov.in पर और अपनी क्लास, अपनी सब्जेक्ट को चुनना है, ऑर्डर करना है. और इसके लिए आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा. और एक और ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी का जो PDF वर्जन में अवेलेबल है NCERT, ई पाठशाला और दीक्षा की वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर. तो यहाँ से आप इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को और बेहतर लगातार करते रह सकते हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. लगातार बने रहिए. अगला सत्र जो होगा वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए होगा हिंदी का. और इसमें सवैये रसखान के ये आप पढ़ेंगे. हिंदी का बहुत ही रोचक पाठ होगा. आप ज़रूर जुड़िए, ज़रूर पढ़िए इस पाठ को भी. धन्यवाद.